और अब बात केदारनाथ की करते हैं। राहत बचाव के चार दिन बीत चुके हैं, यहां पर करीब 10,000 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। सबसे अच्छी खबर यह है कि अब तक किसी भी बड़ी अनहोनी की खबर नहीं सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए, कंट्रोल रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन के चार दिन बीत चुके हैं। इन चार दिनों में हजारों जिंदगियां बचाई गईं, लेकिन अब भी कई जगह पर लोग फंसे हुए हैं। ये आपदा धामी सरकार के लिए किसी चुनौती की तरह आई, तो सरकार ने भी अपने लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद मुख्यमंत्री धामी पल पल का अपडेट लेते नजर आए। आपदा में देखिए, चूंकि सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है। ऑपरेशन जिंदगी के लिए कंट्रोल रूम से केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन कंट्रोल रूम से पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिव से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। दाना जी में बहुत कम लोग बचे हैं, क्योंकि वहाँ से हमने 300 लोगों को लिंचोली के लिए भी रवाना कर दिया है, तो वो लोग लिंचोली आएंगे, क्योंकि ऊपर मौसम खराब हो रहा है। तो लिंचोली आने से क्या होगा कि हम उनको रेस्क्यू करने में आसानी रहेगी, उनको वो भी किया गया है। तो अब इक्का दुक्का लोग गौरीकुंड में है, गौरीकुंड में कोई नहीं है, सबको निकाल दिया गया है। लिंचोली में भी सबको निकाल दिया गया। रविवार की सुबह 11 बजे तक 527 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका था। देवदूत बनकर आए जवान जहां मौसम खराब है वहां पैदल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, फिर दूसरी जगहों से यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसी तरह केदारनाथ में भी मौसम खराब होने के चलते 300 लोगों को पैदल लिंचोली पहुंचाया गया। रेस्क्यू का काम फिलहाल रुका है क्योंकि ये पूरा वॉशआउट हो गया, ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, और अब SDRF ड्रोन की मदद ले रही है। ड्रोन से ये देख रही है कि आखिर में दूसरा रास्ता या दूसरा जो रेस्क्यू के लिए जो ट्रैक है वो कहां कहां से बनेगा। आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ यहां पे SDRF कमांडेंट है मणिकांत मिश्रा जी, और वो ड्रोन पे देख रहे हैं कि किस तरीके से अब रेस्क्यू का कार्य आगे जारी रहेगा, क्योंकि वो ड्रोन से ही पहले एक रास्ता देखेंगे और उस रास्ते को क्या कुछ उसमें दिक्कतें आएंगी, वहां किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा, तो ये अलग अलग रेस्क्यू का एक प्लान तैयार किया जा रहा है। ये वैकल्पिक मार्ग के चयन के लिए मदद ले रहे हैं क्योंकि ऊपर से अभी पत्थर गिर रहे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता उचित रहेगा जिससे कि कोई यात्री घायल ना हो। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी संदीप से कहूंगा, संदीप ये जो ड्रोन अभी यहाँ पहुंच गया है और ड्रोन कुछ न कुछ देखते हुए आया है, यानी कि SDRF अब एक नए रास्ते को तलाश कर रही है, और जो नया रास्ता बनेगा तो शायद आगे आने वाले समय में या आने वाले कुछ चंद घंटों में एक बार फिर रेस्क्यू काम शुरू होगा और SDRF एक नए रास्ते को तलाश कर नए तरीके से नया रास्ता बना के यहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनका रेस्क्यू करेगी। अभी तक पूरी केदार घाटी से करीब 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले गौरीकुंड पहुंची है, जहां बुधवार को आई आपदा में भारी नुकसान हुआ। टीम चीर बसा से करीब 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कर गौरीकुंड पहुंची, जो केदारनाथ यात्रा का पहला पैदल पड़ाव है, जहां का मंजर बेहद डराने वाला था। अभी हम गौरीकुंड में यहां पे गर्म कुंड था, तप्त कुंड बनाया गया था, क्योंकि 2013 की आपदा में वो पहले भी दब चुका था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे काम पुनर्निर्माण के काम हुए और उन कामों में यहाँ पे तप्त कुंड बनाया गया था, लेकिन बुधवार को जो आपदा आई उसके बाद वहाँ पे आप देख सकते कितना बड़ा नुकसान हुआ और वो तप्त कुंड कहीं ना कहीं दब चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो पुनर्निर्माण के काम लगातार चल रहे थे फिलहाल वो रोक दिए गए हैं, क्योंकि जो भारी नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है, मंदाकिनी नदी का जो कटाव है वो काफी अंदर आ गया है, जिस कारण भी यहाँ पे जो काम चल रहे थे वो पूरा बंद हो चुका है। इस पूरे ऑपरेशन में जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे हैं। त्रिगुजी नारायण से ऊपर 8 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में भटक चुके दो श्रद्धालुओं की खबर जैसे ही SDRF को मिली तो पैदल ही टीम रवाना हो गई।
और दोनों को जिंदा बचा लिया। रेस्क्यू की ऐसी तमाम कहानियां हैं जब जवानों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया। अभी तक पैदल करीब 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अभी भी 1000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाना बाकी है जो कि केदारनाथ और उसके आगे के पड़ाव में फंसे हुए थे। ये वही चीरवासा का सबसे ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे अक्सर पत्थर गिरने की संभावना बनी रहती है। आप देख सकते हैं एक बोर्ड है, यहाँ पे जंगल चट्टी, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। जंगल चट्टी से पहले एक बड़ा पैच टूट रखा है जिस कारण इस भीमबली और जंगल चट्टी के बीच भी एक पैच टूट रखा है। और भीमबली से नीचे नहीं जो यात्री आप आ रहे हैं उसका बड़ा कारण यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीते कुछ दिन पहले भी एक बड़ी घटना हुई थी, ऊपर से लगातार पत्थर आए थे और कुछ लोगों उस पत्थरों में यहाँ पे उन पत्थर से उन पे चोट लगी थी जिसका मौत का कारण भी वो पत्थर बने थे। लेकिन आप देख सकते हैं अभी हम उसी चीरवासा से ठीक ऊपर जंगल चट्टी की तरफ ये रास्ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये खतरा भी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि पत्थर आप देख सकते हैं लगातार अभी भी बड़े बड़े बोल्डर बड़े यहाँ रास्तों में दिख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन नए रास्ते से हो रहा है और लोगों को सुरक्षित SDRF की टीम सोनप्रयाग पहुंचा रही है। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे लोगों को भी NDRF के जवान जाल चौमौसी से होते हुए कालीमठ की तरफ निकाल रहे हैं। घाटी की किस तरीके से ड्रावनी ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ऊपर से यानी कि काफी ऊपर से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने से यहाँ काफी नीचे तक ये पूरा रास्ता डैमेज हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग नीचे आ रहे हैं और कुछ आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर हमारे घोड़े फंसे हैं वहाँ पे। अच्छा, बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे। तो जंगल चट्टी का रास्ता ठीक है, घोड़े के लिए खाने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इन लोगों के घोड़े खच्चर वहाँ फंसे हैं और ये लोग उनके लिए खाने पीने की सामान ले जा रहे हैं क्योंकि जंगल चट्टी में काफी नुकसान बताया जा रहा था। जंगल चट्टी से पहले भी एक पैच है और एक पैच ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आम इंसान ढंग से नहीं जा पा रहा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं? भैया हम केदारनाथ से आ रहे हैं। केदारनाथ से तो पैदल ही आ रहे हैं? जी जी पैदल। कितने भैया? कोई याद नहीं, गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं आके जो है। नहीं तो यहाँ पे रास्ते कितने का टूट? रास्ते तो हर नाले पे रास्ता टूटा हुआ, हर 1 किलोमीटर के दरिया पे आपको यही मंजर दिखेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जब पूरा हो जाएगा तब सबसे पहली चुनौती उन रास्तों को दुरुस्त करने की होगी जो इस आपदा में टूट गए। गौरीकुंड से केदार तक 10 जगहों पर पैदल मार्ग टूटा पड़ा है जबकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 3 से 4 जगहों पर मोटर मार्ग तबाह हो चुके हैं। यानी इस तबाही के जख्म भी आसानी से मिटने वाले नहीं। केदार घाटी से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और जब